नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्वेटर्स अड्डा पर। आज पीछे आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। कहाँ पे? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, उसको 3-4 लेक्चर में कवर करना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पूरा लिख के ले आया हूं मैं, आप लोग डरा मत करिए इससे, ठीक है। इसको ध्यान से रखिए, ये आपके लिए नोट्स है, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके रेलेवेंस से जानना जरूरी होता है। ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में शेड्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, इस शेड्यूल का इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये शेड्यूल आपका ड्रग्स, ये ऐसा टॉपिक है ना आपका जूरिस्प्रूडेंस का, जो हर जगह आता है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो वहां तो आता ही आता है, उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर में भी आता है, फार्मासिस्ट के भी एग्जाम में आता है, नाइपर में भी आता है, जीपेड में भी आता है। तो इस टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मतलब आप कोई भी एग्जाम देने जाओ इसको जरूर पढ़ के जाओ, यहां से सवाल आएगा, इट इज फिक्स्ड, आई कैन अश्योर यू इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज आपको जानना पड़ेगा, आज जो आप सुनते थे ना कि ड्रग इंस्पेक्टर का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, बी फार्मा प्लस शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस होता है। तो शेड्यूल सी वो कहां से आता है, यहीं से आता है। वो सारी चीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लेट्स बिगिन। सो वी आर जस्ट बिगिनिंग विद दिस इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। अब देखो, इस शेड्यूल्स को कहते ना कि सर कोई रट्टा मारने का तरीका बताओ, रट्टा नहीं, समझना है। कोई चीजें जब सिस्टमेटिक में पढ़ी जाती है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको चीजें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, शेड्यूल्स टू द रूल्स। रूल्स कौन से रूल्स? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें शेड्यूल्स जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शेड्यूल्स मैं आपसे बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट है जीपैड के क्लासेस में, वो यही शेड्यूल्स है सारे। तो शेड्यूल ए, यहां पर मैंने देखिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ शेड्यूल ए बी सी, ये सारे शेड्यूल्स का नाम लिखा हुआ और शेड्यूल में क्या क्या बातें कही हैं, दिस ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, ठीक है। शेड्यूल ए क्या कहता है, प्रो फॉर्मा, मैं दूसरे मार्कर से यूज करता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा चीजें इजिली। प्रो फॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इशू एंड रिलीवल ऑफ लाइसेंस। जब भी आपको कोई लाइसेंस चाहिए होता है तो उसको एक अप्लाई करते हो, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो एक अलग फॉर्म नंबर पे, फिर जो बंदा जारी करेगा वो अलग फॉर्म नंबर पे जारी करेगा। यानी कि ये आपका जो ए है, ए किससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से। तो देखो शॉर्टकट तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो। यानी कि शेड्यूल ए क्या कह रहा है, ये सब भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ, बस याद रखो कि एप्लीकेशन की बात कर रहा है। किसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, इशू के लिए, रिन्यूअल के लिए और लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के इशू और रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा है, तो ए। अब बी क्या है, शेड्यूल बी, रेट ऑफ फीस फॉर द टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल और गवर्नमेंट एनालिस्ट। यानी कि गवर्नमेंट एनालिस्ट या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जब सैंपल जाएगा तो ये जो एनालिस्ट है क्या चार्ज करने वाला उस सैंपल के लिए, दैट इज गोइंग टू बी प्रेस्क्राइब बाय द डीएनसी एक्ट में बी शेड्यूल में बताया गया है, ठीक। उसके अलावा शेड्यूल सी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी हो चाहे वो यूनियन लेवल की वैकेंसी हो, पहले स्टार्टिंग में ये शेड्यूल सी ही, आज भी शेड्यूल सी मांगा जाता है। यानी कि बी फार्मा प्लस शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो बात हमें उस समय नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज हम क्लियर समझेंगे कि शेड्यूल सी क्या है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस लेना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कहीं भी नहीं, टैबलेट इंजेक्शन जाके कहीं भी ले लिए, इस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में जाके, इस कैटेगरी इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। तो पहले शेड्यूल सी समझते हैं। शेड्यूल सी क्या कहता है, शेड्यूल सी कहता है कि यहां पे एक लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होंगे और स्पेशल प्रोडक्ट होंगे। अब ये किस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किस स्पेशल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, जैसे सेरा, वैक्सीन्स, इंसुलिन्स, ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस, सूचर्स, जब टांके लगते हैं ना तो सिलाई होती है उसको बोलते हैं सूचर्स, टॉक्सिन्स। यानी कि जो डीआई में शेड्यूल सी की बात यहां पे की जा रही थी वो किस इंडस्ट्री से, एनी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चलेगा और कोई इंडस्ट्री का नहीं। कहां पे, अब सेरा जहां पे बनता हो, जहां ऐसी इंडस्ट्री जहां पे वैक्सीन्स बनता हो, जहां पे इंसुलिन बनता हो, जहां पे ऑफ्थैल्मिक आंख की प्रिपरेशन चाहे ईयर ड्रॉप चाहे ऑइंटमेंट कुछ भी बनता हो, वहां पे सूचर्स जहां पे बनता हो, टॉक्सिन्स। तो अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है और शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस लेना है, कितने महीने का, 18 मंथ्स का, यानी कि 1.5 साल का, 1.5 साल का आपका शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप डीआई के लिए एलिजिबल होते हो।
तो ये बात यहां से सीखने वाली ये है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, कि यानी कि इसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना, अब जाके टैबलेट आप बनाने लगे तो वो शेड्यूल सी में नहीं माना जाएगा, ठीक है, कैप्सूल जाके बनाने लगे कैप्सूल इंडस्ट्री में, नो, इस इंडस्ट्री में सेरा, वैक्सीन्स, इंसुलिन्स, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन, सूचर्स एंड टॉक्सिन्स, दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अब एक चीज कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कि सर शेड्यूल सी और सी1 में क्या फर्क है। यहां पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट। अब कैसे स्पेशल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यही स्पेशल प्रोडक्ट है सूचर्स, ठीक। इसमें कह रहा है लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट। अब ऐसे कौन से अदर स्पेशल प्रोडक्ट, तो ये वर्ड याद रखना है कि अदर स्पेशल यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं, जैसे डिजिटेलिस, अर्गॉट, विटामिन। ये विटामिन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों याद है, क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से, जब मैंने BHU का इंटरव्यू दिया था, मैं क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन वहां पे मेरे से इंटरव्यू पैनल में पूछा गया कि आप जो है विटामिन्स बताइए कि विटामिन शेड्यूल सी में आते हैं कि सी1 में आते हैं। तो ये विटामिन मुझे आज क्यों याद है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर मेरे से सवाल पूछा गया। और ये डिजिटलिस क्यों याद है, क्योंकि जब मैं ड्रग इंस्पेक्टर SSC KKR का मैंने इंटरव्यू दिया था इलाहाबाद में, तो वहां पर मेरे से इंटरव्यू पैनल में इसके बारे में, डिजिटलिस के बारे में पूरा पूछा गया था, वहां पर प्रोफेशनल लोगों ने पूछा हुआ था। तो मुझे डिजिटलिस और विटामिन क्यों याद रहते, जस्ट बिकॉज कि आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, मेरे इंटरव्यू पैनल में पूछा गया था, ठीक। तो यानी कि सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और स्पेशल प्रोडक्ट है, C1, यहां C1 याद रखना, अदर बायोलॉजिकल, ये अदर वर्ड याद रखना, ठीक है, उसमें डिजिटलिस, अर्गॉट, विटामिन्स। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि विटामिन्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ विच, शेड्यूल सी और C1, C1 कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद फिश लीवर ऑयल, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेज, जैसे HIV वगैरह को टेस्ट करने के लिए कोई किट यूज हो रही है या कुछ भी हो रहा है, या फिर ये फिश लीवर ऑयल, यानी कि कौन सा फिश लीवर ऑयल, आप देखते हैं ना कॉड लीवर ऑयल, जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल्स आप यूज करते हो आइस वगैरह में, सॉरी आइस को ठीक करने के लिए, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। वो सारे कहां अंडर आएंगे, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी आप ये। अब डी में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, यानी कि ऐसी दवा जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट से, यानी इंपोर्ट के प्रोविजन से उनको बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक। ई में क्या है, पॉइजनस सब्सटेंसेज अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजनस इन नेचर है, किसमें, आयुर्वेदिक, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ये सारे थेरापी सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम, ये सारी चीजें। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम में जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं वो किसके अंडर रखा गया है, E1 के अंडर, ये याद रखेंगे आप। जहां पर थोड़ा सा ट्रिक है मैं बताते चलूंगा आपको, बस इसमें सिंपली आजमाना है कि सबको शॉर्ट वर्ड ढूंढ लें, जैसे सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बी में क्या है फीस, ए में क्या एप्लीकेशन, ऐसे एक कीवर्ड ढूंढ लेना आपको इस पूरे लाइन में, उस कीवर्ड को याद रखना है बस। चलो अब एफ क्या है, अब जैसे एफ है रिक्वायरमेंट फॉर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के DI में पूछा गया था ये सवाल, अभी जल्दी 2018 में एग्जाम हुआ था राजस्थान में DI का, मैंने दिया हुआ था उसको, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया वो बात अलग है, लेकिन मुझे याद है वो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसमें फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक F, ठीक है, तो F आपका किसमें है, फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, ठीक। चलिए F2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी कि F किसके लिए है, ब्लड बैंक के लिए, F2 किसके लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, F3 किसके लिए, अम्लाइकल टिप्स, ठीक है, ये याद रखना है। FF, अब ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक FF, तो ये F वाले बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिए F किस में है, ब्लड बैंक के लिए, F2 किसके लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, F3 किसके लिए, अम्लाइकल टिप्स के लिए, FF किसके लिए, ऑफ्थैल्मिक के लिए। ऐसे जब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे चीजें, ज्यादा वो करने की नहीं। अब ये G और H में बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, बच्चे कहते हैं सर G और H में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो G क्या कहता है, G क्या कहता है कि ऐसी मेडिसिन जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लेनी चाहिए, उस पर लिखा रहता है बॉक्स में, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन किसके, मतलब डॉक्टर्स की देखरेख में, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं लेना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर की देखरेख में लेना चाहिए। तो जी से याद रखो ट्रिक, गुरु, और गुरु कौन है यहां पे, डॉक्टर, यानी जी का मतलब गुरु, और गुरु कौन है, डॉक्टर, तो डॉक्टर के संरक्षण में दवा लेनी थी, यानी कि मेडिकल सुपरविजन में लेनी है, समझ गए जी से। अब एच क्या कहता है, कहता है प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसमें लिखा होता है दिस मेडिसिन शुड बी सोल्ड
ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई तोप नहीं होता, डॉक्टर को ही बोला जाता है भाई। टिपिकल लैंग्वेज थोड़ी सी बोल दिया इन्होंने, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। ये वर्ड तब आपको सुनने में आएगा जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पढ़ोगे, उसमें RMP ये वर्ड सुनने को आएगा आपको। ठीक, तो जी और एच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी का मतलब गुरु के अंडर में, यानी मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स। एच का मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स, OTC नहीं, प्रिस्क्रिप्शन, जिसके लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी है। ठीक है, OTC क्या होती है? पर्चा जरूरी नहीं होता, पैरासिटामोल जाके उठा लिया, क्रोसिन उठा लिया, कौन पर्चे को उस पर मांगता है, जाके बढ़कर आप आराम से ले आए। ठीक, जे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जे में बोला जाता है नॉन क्यूरेबल डिसीज, ऐसी डिसीज जिनका इलाज करना मुश्किल है या इलाज नहीं है। तो आज जो लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि सर हम बाल्डनेस का इलाज कर सकते हैं क्या, अस्थमा का इलाज कर सकते हैं क्या, HIV का इलाज कर सकते हैं क्या, ब्लाइंडनेस का कर सकते हैं, कैंसर का कर सकते हैं, देखो इनको आप प्रिवेंट कर रहे हो लेकिन इनका इलाज फुली तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो बाल के लिए परेशान होते ना, बाल के लिए मत परेशान हो, इलाज नहीं है उसका, बचाओ बाल को जो भी बचे हुए हैं आपके। ठीक है, मेरे भी देखो बाल बहुत उड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको बचाने की जरूरत है। अस्थमा, अस्थमा सबसे पहले क्या होता है आपको, अस्थमा में क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अस्थमा वाला जो सिम्टम होता है ना, ये जल्दी ठीक नहीं होता, आपको बार बार जिंदगी भर के लिए पूरा दवा लेना पड़ जाता है। HIV कहाँ ठीक हो रहा है, इसको कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, बट इट इज नॉट क्योरेबल। ब्लाइंडनेस, एक बार जिसकी आँख चली गई कहाँ वापस आप ले आ पाते हो। ठीक है, जितनी बची उसको बचा लेते हो आप। ठीक है, कैंसर, कैंसर में भी यही होता है। तो यानी कि ये ऐसे डिसीजेज जिनका इलाज संभव नहीं, उनको जे कैटेगरी में डाल दिया, उसको बोलते हैं नॉन क्योरेबल डिसीजेस। ठीक, उसके बाद M, ये देखो स्टार क्यों लगा हुआ है, एक यहाँ पे M शेड्यूल है, एक यहाँ पे T है, दोनों में GMP वर्ड लिखा हुआ है। देखो कंपेयर करके पढ़ो, जहां पे कंफ्यूजन हो ना जस्ट कंपेयर द थिंग्स। GMP यहाँ पे भी है, GMP, तो GMP रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री या प्रीमाइसेस, यानी फैक्ट्री बनाने के लिए। GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग। यार जब आप कोई फैक्ट्री खोलोगे तो फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना, सारी व्यवस्था तो होनी चाहिए, उसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जब फैक्ट्री खोलोगे, प्रीमाइसेस खोलोगे, तो वहां पे जो शेड्यूल जरूरी होगा वो M होगा जरूरी, और यहां पे कौन सा जरूरी है, T, किसके लिए, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन के लिए। जब आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन को बनाओगे उसमें क्या क्या GMP रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए शेड्यूल T है, और शेड्यूल M किसके लिए है, जब फैक्ट्री खोलना होगा और प्रीमाइसेस खोलना होगा। ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन, ये ड्रग इंस्पेक्टर ने पूछा गया था राजस्थान वाले में, कंफ्यूजन में बहुत लोगों ने गलत किया था इसको। ठीक, एन क्या होता है, अब देखो मिनिमम में एन आ रहा है, एन का मतलब मिनिमम, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक फार्मेसी को चलाने के लिए, यानी रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, रैक्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, दरवाजा होना चाहिए, सारी चीजें, वेंटिलेटेड सिस्टम होना चाहिए, कूल प्लेस में होना चाहिए, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए एक फार्मेसी स्टोर को चलाने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, टू रन दी फार्मेसी। वो क्या कहता है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। अब देखो जैसे मैंने कहा ना कि आप एक वर्ड, जैसे ए में एप्लीकेशन, अब जैसे जी है, जी से मेडिकल सुपरवाइजर याद रखें, ये से आप एम से GMP याद रखें, MGM ट्रिक थोड़ा सा याद रखो बस, एन मिनिमम, मिनिमम में एन आ रहा है यहाँ, एन। ओ का मतलब क्या, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, जो भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं उनमें क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनको ए में दर्शाया गया। पी से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, किस ड्रग की कितना लाइफ पीरियड होना चाहिए, उसका कितने देर तक आप स्टोर कर सकते हो, सेल्फ लाइफ उसकी क्या होनी चाहिए। पी से पीरियड, देखो ये कुछ वर्ड है ना, इसको याद रखो, तो ऐसे ही याद रखना शेड्यूल्स और रट्टा नहीं मारना। ठीक है, अब आर कह रहा है स्टैंडर्ड्स फॉर कंडोम्स, तो कंडोम्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं शेड्यूल आर। R1 क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेज, जो मेडिकल डिवाइसेज के लिए R1 है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक, अब देखो कॉस्मेटिक्स में S लगा हुआ, कॉस, तो S से यहां ट्रिक ऐसे याद रखो, S कॉस्मेटिक्स ऐसे याद रखना है। और ये GMP वाला कंफ्यूजन मैंने बता ही दिया कि जब GMP बोले कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए, जहां भी GMP का अगर कोई क्वेश्चन आए GPAT NIPAT DI में, तो थोड़ा सतर्क हो जाना प्लीज, अदरवाइज यू विल अब गलत करके चले आओगे। तो GMP जैसे आए तो ऐसे जज्बातों को काबू थोड़ा कर लेना, यहां M मत लगा के चले आना, पढ़ना आगे कि क्या लिखा हुआ, आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी क्या है, या फिर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री की बात करें तो M, और आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन की बात करें तो T। ठीक है, V कैटेगरी में कौन से होते, पेटेंट और प्रोप्रियटरी मेडिसिन। प्रोप्रियटरी का मतलब ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है, पेटेंटेड मेडिसिन। ठीक है, चलो W क्या कहता है, W कहता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स, एनाल्जेसिक या फिर एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, जेनरिक नेम ही तो है,
तो ऐसी दवा जो भी जेनरिक नेम से मार्केट में अवेलेबल, उनको शेड्यूल W में रखा गया है। ठीक, अब एक्स देखो, एक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे उसमें तीन बहुत परेशान करने वाले आपको शेड्यूल, एक सी, सी वन और एक्स, ये तीनों बहुत, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, और कुछ एग्जांपल्स उसके जरूर याद रख लेना, इंटरव्यू पैनल में जरूर पूछा जाता है। अगर आप कभी डीआई का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है आपसे। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस, ऐसी दवाएं जिनका इंपोर्ट, जिनका मैन्युफैक्चर आ गई तो उनको बनाना, उसको सेल करना, लेबल करना, स्पेशल प्रोविजन के अंडर में होता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल एक्स। तो इसमें कौन से होते हैं, एम्फिटामिन, बारबिटन्स, बारबिटन्स भाई आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स, फिनोबारबिटोन, तो जितने भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी वाले ड्रग्स है ना वो आपके एक्स में आते हैं, ठीक है, शेड्यूल एक्स याद रखना, ट्रिक है ये। शेड्यूल वाई में क्या होता है, वाई में क्लिनिकल ट्रायल के लिए, यानी कि कोई दवाई उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो उस पर याद रखना, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं ऑफ ड्रग्स, ठीक। और लास्ट बात जरूर याद रखनी है कि कोई जेड शेड्यूल नहीं होता है, तो पूरे शेड्यूल में अगर कोई कह दे जेड शेड्यूल, जैसे एग्जाम में आ जाए जेड शेड्यूल डील्स विथ, उसमें नन ऑफ द ऑप्शन जरूर रहेगा, उसको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि जज्बातों को छलका दी और करके चले आए, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा जज्बातों को काबू करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि संजय सर पढ़ा रहे हैं जाके कुछ भी करके चले आओ, नहीं, थोड़ा सीरियसली एग्जाम को लेना है, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये पूरे शेड्यूल्स को मैंने क्यों खाली आज शेड्यूल से क्यों लाया, जस्ट बिकॉज कि अच्छे से पढ़ा सकूं। तो अब ये शेड्यूल्स को आपको पहली ट्रिक, ध्यान से पढ़ना सारे शेड्यूल्स को। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे शेड्यूल्स होंगे डीएनसीएफ में, लेकिन मत पढ़िए उनको, इतना पढ़िए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, मैं श्योर हूं बिल्कुल आ जाएगा यहीं से, क्योंकि जितना भी मैंने एग्जाम दिया ना सब फंसा है क्वेश्चन यहीं से। तो आपको ये याद रखना है, सबको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है और सब में की वर्ड ढूंढना है, जहां पर जैसे ए वाला, ए से एप्लीकेशन, तो एक शॉर्ट नोट आप बना लेना, बी से क्या है फीस की बात करें, सी से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सी वन में क्या अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, डी में एग्जेम्प्टेड, ठीक, ई वन में पॉइजनस, एफ में ब्लड बैंक, एफ टू में सर्जिकल ड्रेसिंग, एफ थ्री में अम्लाइकल्स, एफ एफ में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जी से मेडिकल शुगर, एच एच से प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स, जैसे अब याद है मुझे तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, जे से अनक्योरेबल डिजीज, एम से जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमाइसिस, एन से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ओ से डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, पी से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, उसके बाद आर से स्टैंडर्ड फॉर कंडोम, आर वन से मेडिकल डिवाइसेज, एस का कॉस्मेटिक्स, टी का जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी मेडिसिन, वी का पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, डब्ल्यू का जेनरिक मेडिसिन, एक्स का लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स जो कि स्पेशल प्रोविजन द्वारा होते हैं, उसमें जैसे आपके ये सेडेटिव हिप्नोटिक वाले, वाई क्लिनिकल ट्रायल, जेड कोई शेड्यूल नहीं होता। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, फार्मेसी कोई एग्जाम दोगे जरूर पढ़ के जाना इसको, ये जुरिस्प्रूडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से, और देखिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वालिटी बढ़ा के आप देखा करो, ठीक है, जब क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो सारी चीज़ आपको दिखेगी। और ये लिख के लाने का मेरा मकसद बस यही कि यू जस्ट हैव ए नोट्स, और स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, ताकि जो लिपा पुताई हो गई ना उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कट आराम से पढ़ लो आप उसको, ठीक है, या उसको नोट डाउन कर लो आप कॉपी पे। तो चलिए उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस लेक्चर को पसंद करेंगे, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप कमेंट किया कीजिए, वीडियो जहाँ नीचे हो ना वहाँ कमेंट किया जाइए, सर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी, मुझे ये दिक्कत हो रही है, जो भी आप प्रॉब्लम्स है यू कैन कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर, ठीक है, मैंने कमेंट ऑन किया हुआ है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों, तो अपने भी जो जूनियर्स होते हैं सीनियर्स होते, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबको भाई देखो सबके तरफ पहुंचना चाहिए, वो सारी चीज़ें ज्ञान ऐसी चीज़ें उसको बांटना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, अगर मैं रखूंगा तो मैं कैसी चीज़, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद हो रही हैं, सारी चीज़ें मेरी नॉलेज अपडेट हो रहा है, मेरा नॉलेज इन्हांस हो रहा, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है। तो आप भी ऐसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल जो है सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है, और प्रेस बेल आइकन जरूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे मैं यहाँ वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो इससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, कोई मिस नहीं होगा। बाकी उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया, वहाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपसे, इंस्टा पे आप भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज पे भी मेरे से जुड़ सकते हो। तो इसी वादे के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करना चाहूँगा। आप अपना बिल्कुल आप मुझे अश्योर करिए कि आप अपना ध्यान देंगे, टाइम से पढ़ाई करते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, फ्री ऑफ माइंड रखेंगे। नमस्कार।